3 years ago, Soni Sori was a teacher who was accused of being a courier for the Naxals. Her arrest and her subsequent complaints of sexual assault and torture made everyone take notice. Now she's out on bail and says she wants to speak for tribals like herself, whose only fault was not taking sides in the fight against the Naxals. The Aam Aadmi Party candidate from Bastar is our focus for today's election special poll diet. She talks about how she is preparing for the campaign. The candidate who's sitting next to me here equals, if not exceeds, in popularity with Arvind Kejriwal, whose party she is representing. Joining me is 39-year-old Soni Sori, who's fighting as the daughter of the tribals from this area of Bastar. Soni ji, humse baat karne ke liye bahut bahut shukriya. Sabse pehla sawal aapse, aap apni zindagi mein aap teacher rahi hain, aap patni rahi hain, aap bahu rahi hain. चुनाव लड़ने का आपने क्यों सोचा और कैसे सोचा? ये सब यहाँ मतलब जैसे मैंने जेल में शुरुआत मेरी ज़िंदगी तो मैं टीचर और मैं किसी की पत्नी बहू इस टाइप का जीवन जीना चाहिए, पर इस जो अभी जो हुआ जो तरीके से मेरे साथ नक्सल जो समस्या का है, समर्थक बना के गवर्नमेंट ने मुझे जब जेल तक पहुँचाया तो तब तक भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर मैंने जेल में सबसे ज़्यादा मेरा परिवर्तन तो जेल जाने के बाद हुआ। जो मेरी सीधा साधा ज़िंदगी था वो पूरी चेंजेस हो गई। मैंने देखा जेलों में कई लोग बंद है जो कई तरह के इतना लेके वहाँ पर पड़े हैं, तो मेरे को ये लगा कि अगर मैं अपनी जो घटना मेरे साथ हुआ है उसको अगर मैं पर्दे के पीछे रखती हूँ तो इनके साथ जितना हुआ वो चीज़ कभी नहीं मतलब ख़त्म नहीं होगा, बल्कि दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। तो इन सब के लिए क्या करना चाहिए, मुझे लगा कि मैं अपनी जो अत्याचार को मैं पीछे ना रख के आगे लाया, फिर उसको एक लिखित रूप में मैंने लड़ाई लड़ा और जिससे इतनी बड़ी मूवमेंट खड़े हो गए। और बाकी सब लोगों ने तो एक मैनिफेस्टो जैसा निकाला है सब पार्टी वालों ने, आपने एक स्टैम्प पेपर 1000 रुपए का उस पर लिख दिया कि आप क्या क्या करना चाहें। मुझ पर इन्हें मतलब गाली देने लगे कि आप भी वोट मांगने आए हो, ये करने आए हो, आप भी वही करे जाके बाकी नेता जो करते हैं इस तरह। बहुत जगह में ऐसे कई तरह तरह की बातें सुनने को मिला, फिर मैं उनकी सुनती थी, फिर मैं समझाने की काफ़ी कोशिश किया। ये बात भी सच था, पब्लिक तो बहुत तरस्त हो गई, कई नेता गए, कई लोग वादे किए और वो फिर बाद में कोई वादों को नहीं निभाया गया। तो मैंने काफ़ी फिर मैं सोचा कि क्या करना चाहिए, फिर मुझे लगा कि मैंने जैसे अपनी लड़ाई को लिखित तौर से लड़के पूरे देश में इस बात को करके एक मोमेंट किया तो मुझे लिखित से ही लड़ना होगा। फिर मैंने तय कर लिया, मुझे जो लगा स्थानीय मुद्दे, जहाँ लोगों ने जो जो बताया कुछ हद तक स्थानीय मुद्दे को डाला, कुछ अपन पार्टी स्तर के मुद्दों को डाला। ये लेके जब से मैंने ये चीज़ को मैंने घोषणा किया, आज मैं लोग बोलते हैं कि आप पहली ऐसी प्रत्याक्षी की आपने लिख के दिया है और इस तरह वो कर रहे हैं। आप टीचर रही हैं, आप बहू रही हैं, आप बेटी रही हैं, अब आप एक पॉलिटिशियन जो नेता होते हैं वो अब बन के घूम रही हैं, तो आपकी निजी ज़िंदगी में आपने कितना कितना फेरबदल किया है, कितना आपने चेंज किया है अपने आप को, बहुत क्या अलग करती हैं आप रोज़ रोज़ जो पहले आप नहीं करते थे? जैसे मैं सुबह उठ जाती हूँ, उठने के बाद फिर जो मतलब करना चाहिए उसके बारे में पूरा सोचती हूँ। जब आज राजनीति के दौर में हूँ तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, सबसे पहले पब्लिक के बीच में मुझे जाना है तो क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें एक रणनीति मतलब अपना वो तैयार करके अपना निकलती हूँ। तो केजरीवाल जी आपकी कितनी मदद करते हैं, आप बात करते हैं उनसे? केजरीवाल जी की तो काफ़ी मदद है, मतलब मुझ जैसे एक प्रताड़ित लाचार और मुझे एक मौका दिया है और उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब इस तरह से मुझे एक मौका दिया। तो इन लोगों ने आपको क्या कहा है और आप इन लोगों से क्या बातें करती हैं? बहुत कुछ लोगों के मेरे बारे में पता है, लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो पहले कुछ लोग तो खुद उनसे सुने। केजरीवाल जी से भी ज्यादा आप लोग, आपको यहाँ लोग जानते हैं जितना मैंने देखा, तो आपके नाम से लोग ज्यादा समझ जाते हैं, केजरीवाल जी को शायद इतने लोग नहीं जानते हैं। हाँ, मैं बस्तर की हूँ, बस्तर की बेटी हुई हूँ, और दूसरी बात मैं सबसे पहले तो उनसे सुनना चाहती हूँ, तो जितना पहचान सकते हैं, नाम से तो बहुत जानते हैं, चेहरे से नहीं जानते, तो उनके अंदर अपनापन डालने की कोशिश करते हैं। उनसे मेरे को एक प्यार चाहिए, मेरे लोग मुझे अपना ले, अपना प्यार दे, इस टाइप का एक बहुत ज़्यादा मेरे खुशी रहती है। तो ये सब बातें होती हैं, तो एक मेरा एक रिश्ता है, मैं एक बस्तर की बेटी हूँ, हर किसी के दिलों में, हर किसी के उस पर मेरा एक अपना प्रेम है और उनसे मैं लेना चाहती हूँ। सो देयर यू हर्ड द डॉटर ऑफ बस्तर सेइंग दैट व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ मे सीम यूनिक टू मेनी बट इट एक्चुअली इजंट, एंड शी सेज दैट इफ शी कैन डू इट सो कैन एनीवन एल्स। With camera person Prabir Biswas in Narayanpur, Bastar, Jugal Purohit reporting for Headlines Today.